हेलो एवरीवन, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के सीबीएसई रिजल्ट 2021 के बारे में। जैसा आप सभी को पता था कि सीबीएसई द्वारा 15 जून को क्लास टेंथ के रिजल्ट की घोषणा करने की तिथि को जारी कर दिया गया था, लेकिन आज के इस नोटिफिकेशन में इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब 15 जून के बजाय सीबीएसई क्लास टेंथ का जो रिजल्ट है वो जून में ना जारी होकर अब जुलाई में जारी किया जा सकता है। अब जुलाई में जारी करने के पीछे कुछ रीज़न है, और इस रीज़न को समझने से पहले हम ये जान लें कि सीबीएसई द्वारा किस आधार पर क्लास टेंथ के बच्चों को पास किया जाना था, क्योंकि परीक्षा तो जो बोर्ड परीक्षा थी वो 2021 रद्द कर दी गई है। अब रद्द होने के बाद सीबीएसई ने कुछ मूल्यांकन नीतियों को जारी किया था, और वो मूल्यांकन के चार आधार सीबीएसई बोर्ड द्वारा तय किए गए थे। वो आधार क्या क्या थे? पहला आधार ये था कि यूनिट टेस्ट के आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन, यानी इन चारों आधार पर बच्चों को आंका जाएगा, और इन आंकने के बाद बच्चों का मूल्यांकन होगा और उनको उसी आधार पर उनका नंबर दिए जाएंगे। अब इन चारों आधारों को अंक भी निर्धारित कर दिए गए थे सीबीएसई द्वारा, यानी छात्रों को जो है यूनिट टेस्ट के आधार पर अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर अधिकतम 30 अंक, प्री बोर्ड के आधार पर अधिकतम 40 अंक, और स्कूल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन होगा 20 नंबर होगा, यानी कुल मिलाकर 100 नंबर के आधार का जो बेस बनेगा, और उस 100 नंबर में से जित बच्चों ने प्री बोर्ड में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यूनिट टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी आधार पर उनका नंबर दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि सीबीएसई ने जब ये घोषणा की कि 15 जून तक या 30 मई तक जो रिजल्ट है अपने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी स्कूलों को जारी करना है, इसके बाद सीबीएसई को पता चला कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं सीबीएसई के कि वहाँ पर तो प्री बोर्ड का आयोजन किया ही नहीं गया था। जैसे एग्जांपल अगर हम बिहार की बात लें तो बिहार में ये था कि बिहार में जो अगर हम 100 स्कूलों की वहाँ पर औसत निकालें तो 100 में से कम 70 स्कूल 80 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर तो प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, और वहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा का जो आयोजन करना था उसे अप्रैल में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सब स्कूल बंद कर दिए गए तो इसका आयोजन हो ही नहीं पाया। तो अब वो स्कूल किस आधार पर बच्चों को आंकेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, और इसी वजह से सीबीएसई ने 15 जून के बजाय अब रिजल्ट को जुलाई के फर्स्ट वीक में निर्धारित कर दिया गया। अब जुलाई तक बच्चों के जो है एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा अब सीबीएसई किस आधार पर जारी करेगी, अब मूल्यांकन हो गया, अब परिणाम जारी करने के लिए स्कूलों द्वारा जो है ना आंतरिक परीक्षा समिति बनानी होगी, और इस परीक्षा समिति में कम से कम प्रिंसिपल के साथ 7 शिक्षक होंगे, याद रखना, तो ये 7 शिक्षक होंगे, और इस 7 शिक्षक की टीम तय करेगी कि बच्चों का परफॉर्मेंस जो उनके एग्ज़ाम में था किस आधार पर था, और उसी आधार पर बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। मान लो कि प्री बोर्ड में बच्चे ने अच्छे नंबर ला के पास हुआ है, उसके अर्धवार्षिक परीक्षा में कम नंबर आए थे, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में कम नंबर लाने वाले बच्चों को और प्री बोर्ड में ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को उसी आधार पर बेस बनाकर नंबर दिए जाएंगे। यानी अब बच्चे ने जो यूनिट टेस्ट में जो परफॉर्मेंस किया है, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो परफॉर्मेंस किया है, और प्री बोर्ड परीक्षा में जो परफॉर्मेंस किया, और बच्चों की जो हाजिरी थी स्कूल के अटेंडेंस में, उसके आधार पर बच्चों का नंबर दिए जाएंगे। तो ये कुल मिला जुला कर देखा जाए तो इस अब सीबीएसई का जो रिजल्ट आने वाला है वो जुलाई में होगा, जून में नहीं जारी किए जाएंगे। ये थी हमारी आज की पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब बच्चे जो है ना लगातार इस असमंजस में है, और अभिभावक भी इस असमंजस में है कि रिजल्ट कब जारी होगा। इसी प्रकार के क्लास 12th बच्चे वाले इतने असमंजस में है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, और इस तरह के जो नॉलेजेबल वीडियो है, ऐसे भरमार वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है जिसमें परीक्षा कैंसिल होगी या आयोजित की जाएगी, ऐसी वीडियो पड़ी हुई जिसने बच्चों में ना भ्रामक स्थिति को पैदा कर दिया है। तो बच्चों की इन्हीं भ्रामक स्थिति को दूर करने के लिए सीबीएसई द्वारा अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है आज ही। तो अब बच्चे सीधे तौर पर सीबीएसई में फ़ोन कर उस हेल्पलाइन नंबर से पता कर सकते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा, परीक्षा क्लास 12th की कब आयोजित होगी या होगी या नहीं होगी, कैंसिल होगी। तो ये नंबर ध्यान रखना दोस्तों। तो एक सॉफ्टवेयर आधारित एक ऐप लॉन्च किया गया है ना, जिसमें
इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम लगा, IVR सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, और एक ये जो कॉल सेंटर है सेंट्रलाइज कॉल होगी, और ये IVR नंबर आपको नोट कर लेना है 9311417564, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप इस पर भारत के किसी भी कोने पर अगर हैं, कोने में हैं, तो वहाँ से फ़ोन कर आप अपनी परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि भ्रमक स्थिति पैदा होगी क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर। तो यहाँ पर CBSE ने ऐप लॉन्च कर दिया गया है CBSE द्वारा, और ये एक नंबर जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर आप कॉल कर पता कर सकते हैं कि परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैंसिल होगी तो कैसे कैंसिल होगी, नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे। इस पर आप सभी के जो प्रश्न हैं उन सभी का हल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, नए दिन नए समय पर। धन्यवाद।